नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपसे 20वीं सदी के विश्व इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना डिस्कस करने जा रहा हूं, जो है स्वेज क्राइसिस 1956 की। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन्स में ये सवाल पूछा जा चुका है 2014 में स्वेज कैनाल क्राइसिस के ऊपर या स्वेज क्राइसिस पर। क्वेश्चन था 1956 में स्वेज संकट को पैदा करने वाली घटनाएं क्या थी, उसने एक विश्व शक्ति के रूप में ब्रिटेन की आत्म छवि पर किस प्रकार अंतिम प्रहार किया। तो इस सवाल को आंसर करने के लिए आपको इस पूरे इवेंट की डिटेल्स जाननी जरूरी है, क्या बैकग्राउंड था, क्या घटनाक्रम था और उसका रिजल्ट क्या निकला। तो एक एक करके इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि स्टडी आईक्यू के विभिन्न पेनड्राइव कोर्सेज अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठकर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इन कोर्सेज का फायदा उठाइए और इस नंबर पर कॉल कर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ या फिर अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। महिपाल सिंह राठौड़ के नाम से पेज है, अपने ब्राउजर में डायरेक्टली ये एंटर कीजिए या फिर नाम सर्च करिए, आपको ये पेज मिल जाएगा। एक बार हम देखेंगे वर्ल्ड मैप को और इसमें इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उन सभी पे ध्यान देंगे। तो ये रहा यूनाइटेड किंगडम यूके, ये रहा भारत, ये कॉलोनी था इंग्लैंड की, तो इसीलिए यहाँ से शॉर्ट रास्ता बनाने में इंग्लैंड को काफ़ी फायदा हो गया शॉर्ट रास्ता बनने के बाद, सुएज कैनाल बनने के बाद। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिनका बार बार नाम आएगा वो देख लेते हैं। ये रहा रेड सी, ये रहा यहाँ पे मेडिटेरेनियन, और जैसे जैसे हम जैसे जैसे जूम करेंगे तो ये आएगा इजिप्ट। अब इजिप्ट के अंदर ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, और ये है गल्फ ऑफ सुएज, ये है गल्फ ऑफ सुएज, ये है गल्फ ऑफ अकबा, और यहाँ पर गल्फ ऑफ अकबा के मुहाने पर है स्ट्रेट्स ऑफ तिरान, स्ट्रेट्स ऑफ तिरान, TIRAN। तो स्ट्रेट्स ऑफ तिरान गल्फ ऑफ अकबा को जोड़ता है रेड सी से, और यहाँ से इसराइल का एकमात्र समुद्री रास्ता है। अगर उसे रेड सी एक्सेस करना है तो यहाँ पर अकबा नाम का शहर है, उससे जहाज निकालते हुए स्ट्रेट्स ऑफ तिरान क्रॉस करते हुए रेड सी तक इसराइल पहुँच सकता है। उधर दूसरी ओर तो मेडिटेरेनियन है ही उत्तर पश्चिम की ओर, लेकिन दक्षिण की ओर अगर इसराइल को समुद्र के रास्ते से एशिया से कनेक्ट करना है तो केवल यही रास्ता है। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ जोर देकर क्योंकि इजिप्ट ने इसे ब्लॉक कर दिया था ताकि इसराइल रेड सी को कनेक्ट ना कर पाए, रेड सी से जहाज अपने ना निकाल पाए। तो ये है गल्फ ऑफ सुएज, फिर ये आपको मैंने बताया सिनाई पेनिनसुला पूरा, और सिनाई पेनिनसुला में ये रहा इजिप्ट का बॉर्डर। ठीक है, इजिप्ट यहाँ तक एक्सटेंड करता है, इजिप्ट और इसराइल का ये बॉर्डर है, और छोटा सा बॉर्डर लगभग 15 किलोमीटर का बॉर्डर गाजा पट्टी और इजिप्ट भी शेयर करते हैं। तो ये है गाजा स्ट्रिप, तो गाजा पट्टी और इजिप्ट का भी छोटा सा बॉर्डर है, और इजिप्ट उस समय पैलेस्टाइन मूवमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था, अभी भी करता है लेकिन उस समय ज़्यादा सपोर्ट था। फिर हम आ जाते हैं हमारे सुएज कैनाल पर। तो सुएज कैनाल के अंदर दक्षिण में है सुएज नाम का शहर, यहाँ से सुएज नहर शुरू होती है, उसमें ऊपर आते हैं तो ग्रेट बिटर लेक आता है, एक बहुत बड़ा लेक है, फिर यहाँ पर लेक तिस्मा है, और ये वापस आएगा नाम आगे भी, और यहाँ पर है पोर्ट सईद, जो उत्तरी मुहाना है नहर का, वहाँ पर है पोर्ट सईद और इधर है पोर्ट फुआद, दो शहर हैं। तो आप केवल ये नाम याद रखिए, पोर्ट सईद, सुएज सिटी, और इतना ही बहुत है। आपको पता होना चाहिए सिनाई पेनिनसुला कौन सा है, तो ये सिनाई पेनिनसुला है जो पूरा ट्रायंगुलर आपको दिख रहा है, और इसराइल और इजिप्ट का बॉर्डर आपने देख लिया होगा, गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट का बॉर्डर भी आपने देख लिया होगा। ये है कायरो, कायरो कैपिटल है इजिप्ट का, और एक और महत्वपूर्ण शहर अलेक्जेंड्रिया। व्हाट वाज द सुएज क्राइसिस? पहली चीज़, अगर आपसे पूछ लिया जाए टू मार्कर क्वेश्चन में, यूपीएससी में तो नहीं लेकिन किसी स्टेट पीसीएस या अन्य एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में भी कहीं आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको संक्षिप्त में बताना है किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी टॉपिक के बारे में, तो तीन लाइन या चार लाइन से ज़्यादा उसके बारे में मत लिखिए। तो सुएज क्राइसिस क्या था? एक इंटरनेशनल क्राइसिस था, कहाँ हुआ था? मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में। अब हालांकि मिडिल ईस्ट कई सारे एनालिस्ट ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते, वो यूज़ करते हैं वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया। अब आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया दोनों करेक्ट हैं। कहाँ पर हुआ था? मिडिल ईस्ट में। कब हुआ था? जुलाई 1956 में शुरू हुआ था और पूरी तरह से ख़त्म हुआ था मार्च 1957 में। इजिप्शियन प्रेसिडेंट गमाल अब्दर नासिर ने सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था। सुएज कैनाल एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जाता था, उसे नेशनलाइज करने के बाद ये क्राइसिस शुरू होता है, और उसके बाद में ब्रिटिश, फ्रेंच और इजरायली आर्मी ने इजिप्ट पर हमला बोल दिया, और ये आर्मीज़ पीछे तब हटी जब इन पर यूनाइटेड नेशंस, यूएसए और सोवियत यूनियन, इन तीनों ने मिलकर दबाव डाला। और ये जो घटना है ये 20वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर है।
यहाँ से कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव आता है, शिफ्ट ऑफ पावर होता है, बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा सा टिल्ट होता है यूएस की तरफ। देखते हैं कैसे। पहले सुएज कैनाल के बारे में ब्रीफ में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सुएज कैनाल आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, रेड सी को कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन से, लेकिन टेक्निकली अगर कहूँ तो रेड सी नहीं है, यहाँ पे है गल्फ ऑफ सुएज। तो ये कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ सुएज को कनेक्ट करती है यहाँ उत्तर में मेडिटेरेनियन के साथ। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी और गल्फ ऑफ सुएज, लेकिन रेड सी भी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि नीचे जाकर रेड सी ही आ जाता है। 1856 में एक फ्रेंच डिप्लोमैट फर्डिनैंड डी लेसेप्स ने इसको बनाना स्टार्ट किया था। उसी व्यक्ति का ये सपना था कि यहाँ पर एक कैनाल बने। कोशिशें पहले भी कई लोगों ने करी थी, लेकिन फाइनली सक्सेसफुल फर्डिनैंड डी लेसेप्स हुआ। इसने कंपनी बनाई, इसराइल के पाशा से परमिशन ली। पाशा क्या होते थे? खदीव या पाशा वो व्यक्ति है जो एक वाइसरॉय है। वाइसरॉय किसका? ऑटोमन एम्पायर का। इजिप्ट उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के अंडर हुआ करता था, लेकिन वो एक तरह से सेमी इंडिपेंडेंट था। पाशा वहाँ पे या फिर खदीव रूल करते थे। तो इजिप्ट और सूडान कंबाइंड जो पाशा था वहाँ से परमिशन, वहाँ के वाइसरॉय या राजा से परमिशन ली गई, कंपनी बनाई गई और कैनाल बनने में लगे 10 साल। 1859 से 1869 ये 10 साल लगे। 1869 में कैनाल का उद्घाटन होता है। लंबाई है 193 किलोमीटर, इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछ लें तो याद रखो 193 किलोमीटर। और कंपनी को उस वक्त लीज दी गई थी 99 साल की। 99 साल तक ये कंपनी इस कैनाल को ऑपरेट करेगी, क्योंकि कंपनी को भी तो अपना खर्चा निकालना होगा। याद रखो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 200 किलोमीटर का कैनाल बनाना रेगिस्तान के बीच में कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बहुत पैसा रेज करना पड़ा था, और पैसा रेज किया गया था शेयर होल्डर्स के द्वारा। कंपनी पब्लिक थी, शेयर होल्डर्स से पैसे लिए गए, राजाओं ने भी पैसे लगाए, सरकारों ने भी पैसे लगाए, कई लोगों ने पैसा लगाया, तब जाके सुएज कैनाल बना था। सुएज कैनाल के बारे में थोड़ा सा देख लो। नॉर्थ एंट्रेंस जो है इसका मेडिटेरेनियन सी की तरफ, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है पोर्ट सईद। ठीक है, सईद पाशा एक रूलर थे, उनके नाम के पीछे नया शहर बसाया गया, तो पोर्ट सईद। और कैनाल के दूसरी तरफ यानी इधर ईस्ट की तरफ है पोर्ट फुआद, ये भी लिख लो, पोर्ट सईद और पोर्ट फुआद, बस दोनों के बीच में कैनाल है, एक ही शहर है एक तरह से। फिर यहाँ पे बीच में दो लेक आते हैं, एक तो आता है लेक तिस्मा और एक आता है ग्रेट बिटर लेक। तो ये जो दो लेक्स हैं, ग्रेट बिटर लेक और लेक तिस्मा, ये बीच में आते हैं। और फिर लास्ट में आता है सुएज नाम का शहर, जहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज शुरू होता है, और यहाँ से नीचे आकर आएगा रेड सी। ठीक है, लाल सागर आ जाता है नीचे। तो इसलिए मैंने आपको कहा था टेक्निकली गल्फ ऑफ सुएज और मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट होते हैं। इस कैनाल के बनने से 8,000 किलोमीटर की यात्रा छोटी हो गई। जहाँ लंदन से मुंबई पहुँचने में पहले लगते थे 20,000 किलोमीटर, अब लगते हैं केवल 11,500 किलोमीटर। लगभग 8,000 किलोमीटर की यात्रा ये कैनाल छोटी कर देता है। तो इसीलिए इससे सबसे ज़्यादा फायदा इंग्लैंड को हुआ, ब्रिटिश एम्पायर को हुआ। लेकिन शुरू में ब्रिटिश एम्पायर ने इसका बहुत विरोध किया था। उन्हें लगा था कि अगर ये कैनाल बन गया तो हर कोई भारत के साथ व्यापार कर लेगा, तो हम कंट्रोल खो देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अल्टीमेटली फ़ायदा ज़्यादा इसका इंग्लैंड ने ही उठाया। तो इस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स फ्रेंच थे, फ्रेंच सरकार थी, आम आदमियों ने भी इसमें पैसा लगाया था, अमीर लोगों ने भी पैसा लगाया था फ्रांस के, और साथ ही साथ इजिप्ट के पाशा ने भी, यानी इजिप्ट के वाइसरॉय ने भी अपना खुद का पैसा लगाया था, यानी इजिप्ट भी इसमें स्टेक होल्डर था। लेकिन कैनाल बनने के कुछ साल बाद ही क्या होता है कि इस्माइल पाशा, जो अब नए पाशा थे या रूलर थे इजिप्ट के, वो थोड़े से बैंक्रप्ट हो गए थे। बहुत ज़्यादा लेनदारियाँ थी उनके सर पर, उधार बहुत था। उधार चुकाने के लिए उन्होंने अपना 44% स्टेक कंपनी में बेच दिया। किसे? ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार पहले इस सुएज कैनाल कंपनी में भागीदार नहीं थी, लेकिन इस्माइल पाशा ने अपना स्टेक बेचा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि 5-7 साल में ब्रिटेन को भी समझ में आ गया कि अल्टीमेटली फ़ायदा हमारा ही होगा। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत ये स्टेक खरीद लिया, और काफ़ी सस्ते दामों पर खरीदा गया था। जो पैसा है उससे राजा ने अपने पैसे, जो भी डेट्स हैं, चुका दिए। फिर उसके बाद एक और घटनाक्रम होता है कि 1882 में पाशा के खिलाफ विद्रोह हुआ, उराबी रिवोल्ट कहते हैं इसे। वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर थे सीनियर उराबी नाम से, उन्होंने पाशा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और इस अनरेस्ट को दबाने के लिए पाशा ने मदद मांगी ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश ने इसी बहाने इजिप्ट में आर्मी भेजी, और 1882 के बाद से एक तरह से इजिप्ट पे कंट्रोल आ गया। किसका? अंग्रेज़ों का। कहने को वहाँ पर रूलर पाशा है, लेकिन असली में चलती थी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की। फॉरेन रिलेशंस में ब्रिटेन की चलेगी। ओवरऑल कोई भी डिसीजन पाशा बिना ब्रिटेन से कंसल्ट किए नहीं ले सकता था। और साथ ही साथ कैनाल की सिक्योरिटी का जिम्मा भी अब किसके पास आ गया? ब्रिटेन के पास। तो यहाँ से ब्रिटिश धीरे धीरे डोमिनेट करना शुरू कर रहे हैं। देखो, मौका नहीं छोड़ा ब्रिटेन ने। जैसे ही कोई मौका मिला कि इजिप्ट में हस्तक्षेप बढ़ाया जाए, बढ़ा लिया और कैनाल अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि अभी भी कंपनी ज़्यादातर फ्रेंच है, लेकिन अब ब्रिटिश काफ़ी पावरफुल हैं और इस कंपनी में भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। तो ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों, एक तरह से दोनों सरकारों का कंट्रोल था इस कंपनी के ऊपर, सुएज कैनाल कंपनी पर। प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, कंपनी सरकारी नहीं थी।
हालांकि 1882 के इस टेक ओवर के बाद भी इजिप्ट नाम के लिए तो ऑटोमन एम्पायर में ही था नॉमिनली, लेकिन असली में ब्रिटेन का पूरा वहां पे दखल था। फिर आते हैं हम 20वीं सदी में। अब वर्ल्ड वॉर वन के बाद इजिप्ट को इंडिपेंडेंस दे दी गई, लेकिन मैंने स्टार लगाया क्योंकि इंडिपेंडेंस भी सिर्फ नाम की थी, कहने को अभी भी सारा काम पाशा के नाम पर हो रहा था, लेकिन मोनार्की थी, लेकिन इजिप्ट के अंदर इंग्लैंड का पूरा हस्तक्षेप था। फिर 1936 आते आते यूके ने एक डील साइन करी इजिप्ट के साथ, एंग्लो इजिप्शियन ट्रीटी इसे कहा जाता है। इस ट्रीटी में मेनली ये बात थी कि अगले 20 साल तक कैनाल का कंट्रोल ब्रिटेन के पास रहेगा, सुएज कैनाल की सिक्योरिटी है, उसका कंट्रोल है, उसके आसपास जितना भी सिक्योरिटी का काम है वो इंग्लैंड का रहेगा। आप समझो इंग्लैंड इस कैनाल को इतना तवज्जो क्यों देता था, क्योंकि इंग्लैंड और भारत के बीच में जितना भी व्यापार है वो सारा इस कैनाल के थ्रू निकलता था। सारे जहाज, लगभग 60% जहाज जो इस कैनाल से निकलते थे वो ब्रिटिश होते थे, तो ब्रिटेन के लिए इस कैनाल की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू दोनों के अंदर इंग्लैंड ने इस कैनाल को बचाए रखा, इसीलिए इंग्लैंड को अलाइज को जीत हासिल करने में काफ़ी आसानी रही। अगर ये कैनाल उनके हाथ से चला जाता तो शायद वर्ल्ड वॉर वन में भी इंग्लैंड यहाँ पे मिडिल ईस्ट में हार जाता। लेकिन धीरे धीरे जो लोकल लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ होते जा रहे थे, वो अंग्रेज़ों से खुश नहीं थे, इजिप्ट के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा बनता जा रहा था, और जो कैनाल के एरिया के आसपास के टेरिटरीज हैं जहाँ पे ब्रिटिश स्टेशन थे, मिलिट्री स्टेशन थे, ब्रिटिश सोल्जर जहाँ रहा करते थे, उनके खिलाफ छोटे मोटे हमले होने शुरू हो गए 40 के दशक में, 1940 के बाद ही, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये और ज़्यादा बढ़ गए। और इजिप्ट की सरकार ने भी इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया, कभी किसी मिलिट्री स्टेशन पे बम फेंका जा रहा था, कभी किसी सैनिक की चक्कू मार के हत्या कर दी, इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। 1952 के अंदर इजिप्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, क्रांति आती है, रेवोल्यूशन आता है, 1952 रेवोल्यूशन इजिप्ट का। इसे कराया था मेनली आर्मी ऑफिसर्स ने, एक आर्मी ऑफिसर्स का गुट था, उन्होंने मिलकर तख्ता पलट कर दिया, कू। इस कू के अंदर इजिप्ट का जो रूलर है उसे हटा दिया गया, मोनार्की हटा दी गई और इजिप्ट बन गया एक रिपब्लिक, यानी अब कहने को यहाँ पर जनता की चलेगी, हालांकि कुछ साल तो मिलिट्री शासन ही था, बाद में धीरे धीरे चुनाव होने शुरू हुए। तो ये जो आर्मी ऑफिसर्स हैं इन्होंने देश अपने हाथ में ले लिया, और 1950 से ही तनाव बढ़ता चला गया था यूके और इजिप्ट के इस नए शासन के बीच, क्योंकि ये जो आर्मी ऑफिसर्स थे ये जनता के उस भावनाओं के साथ थे कि इंग्लैंड का अब यहाँ पर कोई रोल नहीं है, कैनाल हमें दे दो, कैनाल से यहाँ से चले जाओ। लेकिन इंग्लैंड अभी भी अपनी इस पुरानी प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं चाहता था जो उसके लिए इतनी वाइटल थी। हालांकि अब भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन फिर काम क्या था, भारत के आज़ाद होने के बाद वर्ल्ड वॉर टू के बाद वहाँ से अब तेल आना शुरू हो गया था। 1930s और 40s में जब मिडिल ईस्ट में ऑयल निकला, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, तो वहाँ से जितना भी ऑयल है वो टैंकर्स में शिप के सहारे रेड सी से होता हुआ यूरोप पहुँचता था। तो इसीलिए अभी भी इंग्लैंड के लिए इसे बनाए रखना, इसकी सिक्योरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1952 के रेवोल्यूशन के बाद मेनली जो पावर था वो गमाल अब्दल नासर के पास आ गया था। नासर 54 में ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे बहुत ही कम उम्र में, और 56 में वो खुद प्रेसिडेंट बन गए, और पावर 54 के बाद से नासर के पास ही थी, और 1970 में जब तक इस व्यक्ति की मौत नहीं होती तब तक ये प्रेसिडेंट बने रहे, और काफ़ी कम उम्र में ये प्रेसिडेंट बन गए थे। ये जब प्रेसिडेंट बने तब इनकी उम्र केवल 38 साल थी, तो ही वॉज जस्ट 38, और 38 की उम्र में इजिप्ट जैसे बड़े देश के प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने कई बड़े बड़े रिफॉर्म्स लाए। पहले तो ये सोशलिस्ट पॉलिसी को बिलीव करते थे, तो इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, गरीबों में ज़मीनें बांटी, सोशलिस्ट मेजर्स लाए, इजिप्ट का मॉडर्नाइजेशन शुरू किया, इंडस्ट्रीज लगानी शुरू करी, आसवान डैम बनाने की बातें शुरू करी, और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात करी, पैन अरब यूनिटी, यानी जितने भी अरब देश हैं हम सब मिल बांट कर रहे हैं, हम एक देश बना लें। तो इन्होंने बीच में कोशिश भी करी, 58 से 61 के बीच में सीरिया और इजिप्ट एक हो गए थे, दोनों एक देश की तरह गवर्न होते थे, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया कुछ सालों बाद, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करी थी। यमन को भी कोशिश करी कि यमन भी इसमें जुड़ जाए, तो नासिर ने काफ़ी कोशिश करी कि सारे अरब देश मिलकर एक ब्लॉक या फिर एक यूनाइटेड स्टेट्स जैसा कुछ मॉडल बनाए, और पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर नासिर को एक हीरो की तरह देखा जाता था, और वो इसलिए मेनली सुएज क्राइसिस के कारण। तो अब देखते हैं कि नासिर अचानक इतने बड़े हीरो कैसे बने। तो ये हैं नासिर, लोग इन्हें अपने कंधों पर उठाए हुए हैं रेवोल्यूशन के बाद। तो 1954 में इजिप्ट की मिलिट्री ने ब्रिटेन पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि आप अपने मिलिट्री स्टेशन हटा लो, कैनाल के आसपास जो आपने अपनी आर्मी तैनात कर रखी है उस आर्मी को हटा लो। 54 में नासिर एक तरह से पावर में थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे ही, तो उन्होंने भी कोशिश करी कि ब्रिटेन यहाँ से जल्द चला जाए। ब्रिटेन ने मिलिट्री प्रेजेंस कम कर दी लेकिन पूरी तरह से नहीं हटाई, उन्होंने कहा अभी 56 आने दो, 56 में हटाना ही है तब हटा देंगे, लेकिन 52 से ही प्रेशर आना शुरू हो गया था। तो ब्रिटेन और इजिप्ट के बीच के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। दूसरा, इजिप्ट की जो आर्मी है
वो इसराइल के साथ जंग छिड़े हुई थी, छोटी छोटी जंग, छोटी मोटी मुठभेड़ होती रहती थी दोनों आर्मीज के बीच में, और उससे इसराइल काफी नाराज हो गया था। फिर नासिर ओपनली इसराइल के खिलाफ था, जायनिस्ट नेशन के खिलाफ था कि ये देश तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा कि 1947 में इसराइल देश की स्थापना हुई थी। अगर आपको इसराइल के बारे में जानना है तो मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, उस पर आप देख सकते हैं, इसराइल पैलेस्टाइन का जो वीडियो है उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो 47 में जब इसराइल बना था तो आसपास के सारे अरब कंट्रीज ने मिलकर इसराइल पर अटैक कर दिया था, उनमें से इजिप्ट भी एक था, और इजिप्ट इस देश को देश मानता ही नहीं था, किसी ने भी इसराइल को रिकग्निशन नहीं दी थी। तो नासिर इसराइल से भी वैसे भी दुश्मनी मोल ले ही रखा था, उन्होंने दुश्मनी मोल ले रखी थी, तो इसराइल से भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। यहाँ तक भी ठीक था। प्रॉब्लम अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को तब हुई जब नासिर ने इजिप्ट को सोवियत यूनियन से नज़दीक लाने की कोशिश करी, हथियार खरीदने की कोशिश करी, सोवियत ब्लॉक की तरफ मूव करने की कोशिश करी। तो नासिर ट्राई कर रहे थे कि हम सोवियत यूनियन के नज़दीक चले जाएं या सोवियत ब्लॉक की तरफ थोड़ा सा टर्न कर लें। हालांकि अल्टीमेट टारगेट जो था वो नासिर का ये था कि सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों को भिड़ा दो आपस में, दोनों को ये लगे कि हम इजिप्ट को अपनी साइड लें, हम इजिप्ट को अपनी साइड लें और दोनों से फ़ायदा उठाओ, अल्टीमेट एम तो यही था। लेकिन इसके अंदर यूएसए और यूके काफ़ी नाराज़ हो गए नासिर से। फिर आते हैं असवान हाई डैम पर। तो असवान हाई डैम नील नदी पर स्थित एक बहुत बड़ा डैम है, जब ये बना था तब दुनिया के सबसे बड़े डैम्स में से एक था। यहाँ पर है असवान, मैप में आप देख सकते हैं, जैसे ही नील नदी एंटर करती है सूडान से इजिप्ट में तो यहाँ पर आता है असवान लेक और असवान डैम, और उसके पीछे जो पूरा लेक बनता है, जो रिजर्वॉयर बनता है, उसे आज कहा जाता है लेक नासिर, गमाल अब्दुल नासिर के पीछे। तो असवान में डैम बनाने का ट्राई कर रहा था इजिप्ट काफ़ी सालों से, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, काफ़ी बड़ा डैम है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस डैम को बनाने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए था, टेक्निकल हेल्प चाहिए थी, और वो हेल्प मिल रही थी इन्हें कहाँ से, यूएस से। तो यूएस और यूके ने प्रॉमिस किया था कि हम डैम बनवा देंगे 1950 की शुरुआत में। ये प्रॉमिस क्यों आया था, देखो नासिर और जो मिलिट्री रूलर्स थे इजिप्ट के, उन्होंने यूके और यूएस से मांगे हथियार, कि हमें हथियार दो। दोनों देश हथियार देने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इजिप्ट को हमने हथियार दिए, फाइटर जेट्स दिए, तो वो इसराइल के खिलाफ ही यूज़ होंगे, और इसराइल के लिए हमेशा से वेस्टर्न नेशंस के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो हथियार देने से इन्होंने मना कर दिया, बहुत लिमिटेड हथियार दिए, कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी। तो उसकी जगह नासिर को थोड़ा खुश करने के लिए इन्होंने कहा कि चलो हम डैम को स्पॉन्सर कर देते हैं, डैम हमारी टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प से बन जाएगा। तो डैम बन रहा था, बातचीत चल रही थी, लेकिन जब नासिर ने 1955 और 56 में सोवियत यूनियन से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करी तो यूएसए और यूके दोनों ने अचानक एक दिन घोषणा करी कि अब हम असवान डैम नहीं बनाएंगे, डैम प्रोजेक्ट कैंसिल, हमारी मदद खींच रहे हैं वापस। इससे नासिर काफ़ी नाराज़ हो गए, इजिप्ट के लोगों में भी गुस्सा आ गया। अल्टीमेटली ये डैम बना 60 के दशक में और इसे फाइनली बनवाया यूएसएसआर ने, ठीक है, सोवियत मदद से ही ये डैम बना आगे जाकर, क्योंकि अल्टीमेटली इजिप्ट सोवियत यूनियन के नज़दीक हो गया था इस पूरे घटनाक्रम के बाद, और आज भी है। आज भी अगर आप देखोगे तो इजिप्ट को रशिया की तरफ से काफ़ी मदद मिलती है, वेपन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, अगर कोई पॉलिटिकल हेल्प भी ज़रूरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो भी आज भी रशिया और इजिप्ट काफ़ी क्लोज हैं, और उस क्लोजनेस का एक बहुत बड़ा रीज़न ये सुएज क्राइसिस है पूरा। तो आई होप आप ये मैप में समझ गए होंगे असवान डैम कहाँ पर है। ये भी देख लीजिए कि ब्लू नाइल और वाइट नाइल दो मेन नदियाँ हैं, और खारतूम जो कि सूडान का कैपिटल है, यहाँ पर दोनों जुड़ जाती हैं और मेन नील नदी बन जाती है, ठीक है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल जुड़ती हैं खारतूम में। तो अब आते हैं हम जुलाई 1956 में। जुलाई 1956 के अंदर सुएज क्राइसिस एक्चुअली में शुरू होता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये एक फैक्टर था कि इजिप्ट का जो कंस्ट्रक्शन था असवान हाई डैम का, उससे हाथ खींच लिया अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने, पहले दोनों ने प्रॉमिस किया था लेकिन पीछे हट गए। कारण क्या था, इजिप्ट सोवियत यूनियन और चेकोस्लोवाकिया दोनों से क्लोजनेस बढ़ा रहा था। चेकोस्लोवाकिया एक देश है जो सोवियत यूनियन के अंदर, यानी कोल्ड वॉर के अंदर जो सोवियत ब्लॉक है उसमें शामिल था। इजिप्ट चेकोस्लोवाकिया से हथियार खरीद रहा था, बहुत बड़ी डील थी, $250 मिलियन की उस समय में डील थी, $250 मिलियन की डील थी टैंक और फाइटर जेट्स खरीदने की, क्योंकि अमेरिका तो बेच नहीं रहा था, तो इन्होंने चेकोस्लोवाकिया से संपर्क किया। इस आर्म्स डील के साइन होते ही इजिप्ट के सारे पड़ोसी चौकन्ने हो गए, खास करके इसराइल, क्योंकि इसराइल को तो पता था कि जो भी फाइटर जेट्स आएंगे वो अगली लड़ाई में हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तो नासिर ने अमेरिका और ब्रिटेन के इस डिसीजन का विरोध कैसे किया कि असवान हाई डैम से आपने अपना हाथ खींच लिया है, तो मैं उसके बजाय सुएज कैनाल कंपनी को नेशनलाइज कर रहा हूँ। तो जैसे भारत के अंदर बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वैसे ही इजिप्ट में सुएज कैनाल कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो गया,
और वैसे नासिर ने इजिप्ट में अन्य कई कंपनीज का राष्ट्रीयकरण करा था, कई इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन किया था। तो उस समय एक ट्रेंड सा था, जो भी सोशलिस्ट देश थे वो नेशनलाइजेशन कर देते थे। तो सुएज कैनाल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गया और पूरे कैनाल का जो कंट्रोल है वो इजिप्ट ने अपने हाथों में ले लिया और मार्शल लॉ लागू कर दिया कैनाल जोन के अंदर। और रीज़न क्या दिया, ऑफिशियली नासिर ने उस वक्त एक बहुत शानदार स्पीच दी थी। उस स्पीच में उन्होंने कहा कि ये जो टोल आता है ना, यहाँ से जितने भी जहाज़ पास होते हैं पैसा देते हैं कैनाल से निकलने का, तो इतना टोल आएगा कि 5 साल के अंदर अंदर हम पूरा आसवान डैम खड़ा कर देंगे, हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, केवल सुएज कैनाल के टोल से ही हम इस आसवान डैम को बना सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, सोशलिज्म हमेशा यही कहता है कि देखो यहाँ से ये पैसा आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। फाइनली आसवान डैम जो है वो बना कैसे, सोवियत मदद से बना 1960 के दशक में। तो दिन था 26 जुलाई 1956 का, जिस दिन घोषणा करी गई। अब नासिर ने स्पीच दी थी एक बहुत ही फेमस अलेक्जेंड्रिया में, वहाँ पे नेशनलाइजेशन किया गया सुएज कैनाल कंपनी का, और तुरंत जैसे ही स्पीच चल रही थी इजिप्ट की आर्मी ने कंट्रोल ले लिया अपना कैनाल के ऊपर। अब वैसे देखो ये मूव इलीगल नहीं था, लीगल था, क्योंकि देखो 99 ईयर्स की लीज़ थी, तो वैसे भी सुएज कैनाल कंपनी की लीज़ खत्म होने वाली थी। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी स्टॉक होल्डर्स थे, जितने भी प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स थे, सोचो आपने अगर 10 शेयर भी खरीद रखे थे उस वक्त सुएज कैनाल कंपनी के, तो आपको पैसा दिया गया। नासिर ने, मतलब इजिप्ट की गवर्नमेंट ने, उस दिन का जो स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस था पेरिस स्टॉक एक्सचेंज में, जो भी प्राइस था उस कंपनी का, उतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे सारे शेयर होल्डर्स को। यानी ब्रिटेन और जो फ्रांस की सरकारें हैं उनको भी उनके पैसे दिए गए। तो वैसे इलीगल नहीं था, मूव तो लीगल ही था, लेकिन बस ये कि हॉस्टाइल टेक ओवर था, कंपनी चाहती नहीं थी कि हमारा टेक ओवर हो जाए, और टेक ओवर हो गया। तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इतना कोई इलीगल ये नहीं है, लेकिन इसका मेन जो मुद्दा था वो था पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल मुद्दा, सिक्योरिटी से रिलेटेड, मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स से रिलेटेड। जैसे ही राष्ट्रीयकरण होता है सुएज कैनाल का, नासिर अचानक से पूरे अरब दुनिया में एक हीरो बन गए कि अरे वाह, कोई तो है जो वेस्टर्न नेशंस के खिलाफ खड़ा होके उनसे बिना डरे इतना बड़ा पंगा मोल ले सकता है। तो नासिर रातों रात पूरे अरब दुनिया में हीरो बन गए, जगह जगह सऊदी अरेबिया से लेकर मोरक्को तक उनके पोस्टर छपने लगे थे। अब आते हैं यूके पर। यूके और फ्रांस के लिए सुएज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट था 1955 में भी, हालांकि दोनों की कॉलोनीज काफ़ी कम हो चुकी थी, कॉलोनीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी अब, लेकिन क्या है कि ऑयल आता था सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक, इन सभी जगह से ऑयल टैंकर्स आते थे, यहाँ से जाते थे यूरोप को। तो इसीलिए इस ऑयल के रस्ते को सिक्योर करने के लिए सुएज कैनाल की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि सुएज कैनाल इनके कब्जे में रहे। और इसीलिए मेनली इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ने इस कदम का विरोध किया, और दोनों ने कहा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं हो सकता, हमारी आर्मी को रातों रात वहां से हटाया नहीं जा सकता। तो अब आप देखिए कि नासिर ने अपने फैसले से या फिर अपनी पॉलिसी से 3-4 साल में कई देशों को गुस्सा कर दिया था। एक एक करके देखते हैं सबके साथ क्या प्रॉब्लम थी। यूके और फ्रांस को गुस्सा किया सबसे पहले, क्योंकि सुएज कैनाल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अमेरिका और पूरे पश्चिमी देशों को गुस्सा आया, क्योंकि एक तो सोवियत ब्लॉक से नज़दीक है, और दूसरा जो नया नया चाइना बना था, 1949 में चाइना का गठन हुआ था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट देश था, उसे रिकग्निशन दे दी थी, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित कर दिए थे इजिप्ट ने। दुनिया के ज़्यादातर देशों ने उस वक्त चाइना को रिकग्निशन नहीं दी थी, सब ताइवान वाली सरकार को लीगल मानते थे। पूरी दुनिया ने वो अपना चेंज किया था जो डिसीजन है 1970 में, जब अमेरिका ने चेंज किया, लेकिन उस वक्त चाइना से हाथ मिलाना दुनिया से दुश्मनी मोल लेना था। फिर इसराइल नाराज़ था, क्योंकि इसराइल के अंदर पैलेस्टीनियन जो हमले करते थे, फिदाइन यानी जो आत्मघाती हमले होते हैं, उन हमलों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था इजिप्ट। जो गाज़ा पट्टी से फिदाइन हमले हुआ करते थे उनको सपोर्ट, हथियार पहुंचाना, ये सारे काम इजिप्ट की आर्मी करा करती थी, इजिप्ट की सरकार करती थी। दूसरा कारण था स्ट्रेट्स ऑफ तिरन, जो मैंने आपको शुरुआती मैप में बताया था, उसे ब्लॉक कर दिया था, उसे ब्लॉकेड कर रखा था, तो वहां से कोई भी इसराइल का जहाज़ रेड सी की तरफ नहीं जा सकता था। फिर सुएज कैनाल भी ब्लॉक कर दिया था इसराइल के लिए, सुएज कैनाल से इसराइल का कोई भी जहाज़ पास नहीं कर सकता, तो एक तरह से इसराइल तो लैंडलॉक हो गया ना, तो इसराइल के पास भी काफ़ी सारे मुद्दे थे। और सबसे बड़ी बात है कि इसराइल बनने के खिलाफ था इजिप्ट, तो इसराइल की तो एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम थी इजिप्ट को। फाइनली फ्रांस का एक और मुद्दा था, अल्जीरिया में जो कि एक फ्रांस की कॉलोनी थी, वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, और वहाँ के जो नेशनलिस्ट हैं उन्हें भी नासिर हथियार, पैसा, सब कुछ सप्लाई कर रहे थे। और अल्जीरिया का भी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है बहुत ही हिंसक था, 12 साल चला और फाइनली अल्जीरिया को इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन काफ़ी हिंसा के बाद, क्योंकि फ्रांस छोड़ना नहीं चाहता था अल्जीरिया, फ्रांस ने बहुत कोशिश करी कि अल्जीरिया हमारे पास रह जाए। तो अल्जीरिया भी उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, देख लेना आप मैप में अपने आप कहाँ पर है, मैं नहीं बताऊँगा। अब मैं आता हूँ उस वक्त के वर्ल्ड लीडर्स पे, क्योंकि अब इन सबका नाम आने वाला है। इंग्लैंड में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे एंथनी ईडन, वर्ल्ड वॉर के समय, वर्ल्ड वॉर टू के समय ये फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, यानी विदेश मंत्री रहे थे विंस्टन चर्चिल के अधीन।
दूसरी तरफ फ्रांस में एक सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे गी मोले। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे डेविड बेन गुरियन। डेविड बेन गुरियन को इसराइल का फाउंडिंग फादर माना जाता है। 47 से लेकर जब तक कि इनकी डेथ नहीं हो जाती 65 या 66 आई थिंक, तब तक ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो इसराइल एक तरह से इन्होंने ही इसराइल को, यही इसराइल के फाउंडर थे। मतलब वैसे तो पूरा एक मूवमेंट था लेकिन इसराइल के शुरुआती लीडर्स में से एक थे। तो डेविड बेन गुरियन की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इसी से समझ लो कि जो तेल अवीव का मेन एयरपोर्ट है उसका नाम आज भी डेविड बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जैसे हमारा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वैसे ही डेविड बेन गुरियन के पीछे इसराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नेम्ड है। यूएस में प्रेसिडेंट थे ड्वाइट डी आइजनहोवर। ये भी वर्ल्ड वॉर टू के हीरो थे। इन्होंने अमेरिकी आर्मी का नेतृत्व किया था द्वितीय विश्व युद्ध में 1952 में, ये बाद में प्रेसिडेंट बन गए। सोवियत यूनियन के लीडर थे निकिता क्रुश्चेव। तो ये थे वर्ल्ड लीडर्स। अब इनके नाम आते रहेंगे थोड़े थोड़े, इसीलिए आपको एक बार मैंने बता दिया। वैसे ये भी जान लो कि ये जो तीनों हैं ये तीनों लूजिंग साइड पे थे पॉलिटिकली, क्योंकि फ्रांस, इंग्लैंड और इसराइल को फाइनली विड्रॉ करना पड़ा था सुएज क्राइसिस में। तो इन दोनों का तो कैरियर खत्म हो गया। एंटनी ईडन और गी मोले का कैरियर कुछ ही महीनों में खत्म हो गया, दोनों को रिजाइन करना पड़ गया था। डेविड बेन गुरियन जरूर चलते रहे लंबे समय तक। ड्वाइट डी आइजनहोवर फिर से चुन लिए गए राष्ट्रपति, एक और कार्यकाल इनको मिल गया, और निकिता क्रुश्चेव भी अपने पद पर बने रहे। तो बात है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पे। सुएज कैनाल नेशनलाइज हो चुकी है। उसके बाद जुलाई से लेकर अक्टूबर तक अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होती रही। सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी सुएज कॉन्फ्रेंस 1956 में लंदन में होती है। इसमें भारत भी शामिल हुआ था। 22 देशों को इनवाइट किया गया था लेकिन इजिप्ट ने मना कर दिया। तो बेगानी शादी में बाकी सारे अब्दुल्ले दीवाने थे, बात हो रही थी इजिप्ट की लेकिन इजिप्ट वहाँ पे शामिल नहीं हुआ। इजिप्ट ने मना कर दिया, बाकी सारे देश आए जो भी सुएज कैनाल को यूज़ करते थे, मतलब जो भी शिपिंग कंपनीज, जिनकी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज थी या जिनके जहाज थे, वो सारे देश इसमें शामिल हुए। भारत और पाकिस्तान भी शामिल थे। तो यहाँ पे बात ये डिसाइड करी गई कि अब इंग्लैंड और फ्रांस जो है उन्हें कंट्रोल वापस दिया जाए। ये चाहते थे कई सारे कंट्रीज, वेस्टर्न नेशंस, लेकिन यूएसए इसके खिलाफ था, मिलिट्री इंटरवेंशन के खिलाफ था। भारत भी ये कह रहा था, यहाँ पे नेहरू जी ने भी यही कहा था कि कंट्रोल तो अब देखो चला गया है इंग्लैंड फ्रांस का, नासिर के पास रहना चाहिए लेकिन यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में दे दिया जाए इसे, कि इंग्लैंड और फ्रांस को ना देकर यूनाइटेड नेशंस को वापस दे दो। जो भी है, इंग्लैंड और फ्रांस चाहते थे कि मिलिट्री एक्शन लिया जाए और इजिप्ट चाहता था कि हम तो किसी हालत में कैनाल को वापस नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर सारी कॉन्फ्रेंसेस फेल हो गई, कोई नतीजा नहीं निकला। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता था कि लड़ाई हो, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरी कोशिश करी कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसे तैसे मान जाएं, आर्मी ना भेजें। लेकिन जब कुछ भी बात बनती हुई नहीं दिखी इंग्लैंड और फ्रांस को, तो अल्टीमेटली इन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। तो अब इंग्लैंड और फ्रांस ने अपना दिमाग लड़ाया, इसराइल को बुलाया कि इसराइल तुम भी आओ, तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत है, पड़ोसी तुम हो, हमें भी दिक्कत है, बाकी सारे देश तो देखो मान नहीं रहे हैं, सबके अपने अपने रीजंस हैं। यूएस नहीं चाहता कि सोवियत ब्लॉक के नज़दीक जाए इजिप्ट, या फिर सोवियत ब्लॉक की तरफ पूरा अरब वर्ल्ड जाए। तो हम एक काम करते हैं, मिलकर एक सीक्रेट प्रोटोकॉल बनाते हैं। टारगेट ये था कि सबसे पहले अटैक करके नासिर सरकार को हटाना है, नासिर का तख्ता पलट करना है और सुएज कैनाल को अपने कंट्रोल में लेना है। नासिर को हटाकर किसको लेकर आओगे कुछ नहीं पता। हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज यही करते हैं, अरब वर्ल्ड में हमला कर देते हैं लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, स्टेबल गवर्नमेंट कैसे देंगे, कोई प्लान नहीं होता है। खैर वापस आते हैं 1956 में। तो ये 22 और 24 अक्टूबर को मीटिंग हो रही थी। बाय द वे, प्लान ये बनाया गया कि सबसे पहले इसराइल हमला करेगा इजिप्ट के ऊपर सिनाई पेनिनसुला के अंदर, और ब्रिटेन और फ्रांस कुछ ही दिनों में ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन पहले धमकी देंगे कि इजिप्ट और इसराइल लड़ाई बंद कर दो वरना हम आ जाएंगे। और वो तो पता है उन्हें कि इजिप्ट लड़ाई छोड़ेगा नहीं, तो ब्रिटेन और फ्रांस भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाएंगे और तीनों मिलकर कैनाल के ऊपर कंट्रोल अपना बना लेंगे और नासिर सरकार को हटा देंगे। ये प्लान था। अब ये याद रखो कि ये प्लान बिल्कुल सीक्रेट था। एक्चुअली ये जो प्रोटोकॉल ऑफ सेवरेस है ये बाहर आया ही नहीं था, कई सालों बाद ये बात पता चली थी कि इन तीनों ने मिलकर डील करी थी। हालांकि बाद में सबको ऐसा तो पता चल ही गया था कि तीनों मतलब मिलजुल कर काम कर रहे हैं लड़ाई के समय ही, अगले हफ्ते ही, लेकिन प्रॉपर इन्होंने मीटिंग करके ये डील करी थी ये बात कई सालों बाद बाहर आई थी। तो यानी जो प्रोटोकॉल ऑफ सेवरेस है ये कई सालों बाद बाहर आया था। सेवरेस पेरिस के अंदर ही एक एरिया है, तो ये मीटिंग पेरिस में हुई थी। तो इसी ट्रीटी के तहत या प्रोटोकॉल के तहत, ट्रीटी नहीं थी ये एक समझौता था, तो इस समझौते के तहत इसराइल ने तुरंत सिनाई पेनिनसुला पे हमला कर दिया। ये सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पे हमला करके इजिप्ट को पीछे धकेलना शुरू किया। इजिप्ट की आर्मी यहाँ पे काफ़ी पीछे चली गई दो दिन के अंदर अंदर ही। दूसरे ही दिन फ्रांस और इंग्लैंड ने धमकी दी दोनों को, इजिप्ट और इसराइल को, कि इस पूरे एरिया से विड्रॉ कर जाओ। अब देखो इसराइल तो चलो हमला कर रहा है तो इसराइल विड्रॉ करना समझ में आता है, आप इजिप्ट को धमकी दे रहे हो कि आप अपने ही देश में अपनी ही आर्मी पीछे खींच लो, तो ये धमकी कौन मानने वाला था। नासिर ने साफ मना कर दिया कि हम अपने ही देश में अपनी ही आर्मी पीछे ले लें,
और एक और चीज कही थी कि ये जो सुएज कैनाल है ना, इससे 10 मील दूर तक आर्मी होनी चाहिए, यानी 16 किलोमीटर तक एक एक्सक्लूसिव जोन बना दो, यहाँ पे कोई आर्मी नहीं होगी और सिनाई पेनिनसुला भी खाली कर दो। दोनों देशों को ये धमकी दी थी, इसराइल और इजिप्ट को, वरना हम आ जाएंगे। तो नासिर ने साफ तौर पर मना कर दिया और इसराइल ने कहा हाँ ठीक है हम मान जाएंगे। तो लेकिन ये सब दिखावे के लिए था। तो जो अटैक है वो बदस्तूर जारी रहा अगले दो दिन तक। इंग्लैंड और फ्रांस के जो एरोप्लेन्स हैं, नेवी हैं, वो भी सब इसमें शामिल हो गए। तो 24 अक्टूबर को ये प्लान बना था, 29 अक्टूबर को इसराइल ने हमला किया सिनाई पेनिनसुला के ऊपर। और हाँ, इसराइल ने ऑफिशियली रीज़न क्या दिया कि हम सेल्फ डिफेंस में हमला कर रहे हैं, कि हमारे ऊपर देखो फिदाइन हमले होते रहते हैं पैलेस्टाइन से, कहाँ से, ये गाजा स्ट्रिप से। तो गाजा स्ट्रिप में कौन हेल्प करता है? इजिप्ट। तो गाजा स्ट्रिप के अंदर इजिप्ट फिदाइंस को हेल्प करता है और हमारे ऊपर हमले करवाता है, तो हम सेल्फ डिफेंस के अंदर इजिप्ट पर हमला कर रहे हैं। 30 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया गया कि सीज फायर करो, विड्रॉ करो फोर्सेस, नासिर ने मना किया। 31 अक्टूबर को फ्रेंच और ब्रिटिश एयरफोर्स ने बम गिराने शुरू करे, पोर्ट सईद पर बम गिराए, जितने भी एयरफोर्स के स्टेशन थे इजिप्ट के उन पर बम गिराए, यानी इजिप्ट पे एक बॉम्बिंग कैंपेन शुरू कर दिया अगले दो तीन दिन। और 5 और 6 नवंबर को अपनी ग्राउंड फोर्सेस लैंड करवा दी, यानी पोर्ट सईद में इंग्लैंड और फ्रांस की आर्मी पहुंच गई, पोर्ट सईद और पोर्ट फुआद पे अटैक कर दिया। तो ये सारा घटनाक्रम चला है। ये एक एरियल फोटो है पोर्ट सईद का। तो पोर्ट सईद में देखो आग लगी हुई है, यहाँ से सुएज कैनाल शुरू होती है, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी की तरफ वाला मुहाना है इस नहर का। तो ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रूप्स अल्टीमेटली सक्सेसफुल थे, दोनों ने सुएज कैनाल अपने कंट्रोल में ले लिया, तीनों देशों ने, इसराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने। तो मिलिट्रीली तो ये कैंपेन एक सक्सेस था इनके लिए, लेकिन पॉलिटिकली बहुत बड़ा फेलियर था। अभी मैं समझाता हूँ क्यों। कंट्रोल लेना ही कुछ नहीं होता है, देखो इसीलिए आप इस बात को समझिए कि सिर्फ मिलिट्री जीत जीत नहीं होती 21वीं सदी और 20वीं सदी के अंदर, आपको पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, कई चीज़ें देखनी होती है, हर फ्रंट पे लड़ना होता है, हर फ्रंट पे देश को जीत दिलानी होती है। ये एक और फोटो है सुएज कैनाल का उसी समय का। इजिप्ट ने क्या करा, बदला लेने के लिए जितने भी शिप्स उस दिन कैनाल के अंदर थे, जिनमें से ज़्यादातर सारे इंग्लैंड के या फिर यूरोपियन देशों के थे, उन सभी को डुबो दिया। तो लगभग 40 से भी ज़्यादा शिप्स थे जिन्हें डुबो दिया गया, और उसके कारण सुएज कैनाल बंद हो गया था। 6 महीने लगे थे इन जहाज़ों को हटाकर सुएज कैनाल को फिर से चालू करने में। तो ये सारे डूबे हुए जहाज़ हैं पोर्ट सईद के आसपास के। कैजुअल्टीज़ देख लीजिए इस लड़ाई में, जो ये 6 दिनों की लड़ाई चली थी, इसमें 176 इसराइली सैनिक शहीद होते हैं, 26 ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी के जवान शहीद होते हैं, 600 से भी ज़्यादा इजिप्शियन आर्मी और इजिप्शियन पुलिस के जवान शहीद होते हैं, और सिविलियंस जो मारे गए उनकी संख्या 1000 से 3000 बताई जाती है, कई जगह 6000 भी बताई जाती है, कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है। तो आप देख सकते हो मेनली नुकसान किसका हुआ, इजिप्ट के लोगों का। और इजिप्ट की आर्मी वैसे काफ़ी बड़ी थी, 3 लाख की आर्मी थी उनके पास उस वक्त, लेकिन फिर भी फ्रांस और ब्रिटेन के और इसराइल के फायर पावर के सामने वो टिक नहीं पाए, क्योंकि उनके पास एयरफोर्स थी, सुपीरियर एयरफोर्स थी। तो इजिप्ट का 4 दिन के अंदर अंदर सफाया हो गया वहाँ पे, मतलब लड़ाई वो हार गए, जो पोर्ट सईद, पोर्ट फवाद और कैनाल है उस पर पूरा कब्जा हो गया फ्रांस और ब्रिटेन का। लेकिन अब देखो दुनिया का रिस्पांस क्या आता है, यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस फेल कर गए पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली वो दुनिया को समझा नहीं पाए कि हम ये हमला क्यों कर रहे हैं, या फिर इस हमले को जस्टिफाई नहीं कर पाए। अमेरिका इस हमले से बहुत नाराज़ हुआ, अमेरिका ने कोशिश करी यूएन के अंदर कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाएं इसराइल के ऊपर जब तक वो सिनाई पेनिनसुला से विड्रॉ नहीं कर लेता। फिर दूसरी ओर इंग्लैंड को भी डांटना शुरू करा अमेरिका ने। अमेरिका ने साफ कहा कि हमसे बिना डिस्कस किए ये फैसला लिया गया, हमारा इस हमले में कोई रोल नहीं है, हमने इनके साथ कोई डिस्कशन नहीं किया हमले के बारे में। और इंग्लैंड को सबक सिखाने के लिए पाउंड स्टर्लिंग को डीवैल्यू किया, यानी अमेरिका के पास जितने भी पाउंड थे, हर देश दूसरी देश के करेंसीज रखता है, कुछ रिजर्व करेंसी रिजर्व्स रखे जाते हैं, तो अमेरिका ने अपना सारा पाउंड स्टर्लिंग बेचना शुरू कर दिया मार्केट में। तो पाउंड का जो रेट है वर्ल्ड मार्केट्स में अचानक से गिर गया। 3 दिन के अंदर अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड को 40 मिलियन पाउंड्स का लॉस हुआ, 40 मिलियन पाउंड्स का जो उनका रिजर्व है वो कम हो गया, बेसिकली पाउंड स्टर्लिंग डीवैल्यू होने लग गया। और इंग्लैंड के सामने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था, अगर वो वहाँ से अपनी आर्मी पीछे नहीं खींचते तो हो सकता है कि इंग्लैंड उस वक्त पूरी तरह से इंग्लैंड की इकोनॉमी क्रैश कर जाती, क्योंकि वैसे भी वर्ल्ड वॉर टू के बाद मुश्किल से तो इंग्लैंड की इकोनॉमी फिर से अपने ढर्रे पर आई थी। इंग्लैंड पूरी तरह से तबाह हो चुका था वर्ल्ड वॉर के अंदर, सबसे ज़्यादा नुकसान एलाइज के अंदर इंग्लैंड ने झेला था, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इंग्लैंड की इकोनॉमी वैसे ही बड़ी मुश्किल से नॉर्मल सी पर लौटी थी, और अब ये ब्लॉकेड आ गया और IMF की मदद भी नहीं मिल रही थी। UK ने IMF से मदद मांगी कि हमें तुरंत बेल आउट दो, पैसे दो। USA ने IMF को साफ मना कर दिया कि IMF पैसा नहीं देगा इंग्लैंड को। दूसरी ओर सोवियत यूनियन, निकिता क्रुश्चेव, इन्होंने भी फ्रांस और इंग्लैंड दोनों को बहुत कुछ बोला, बहुत सुनाया, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी बहुत पैशनेट स्पीचेस दी गई USSR की द्वारा।
और निकिता क्रुश्चेव ने तो ये तक धमकी दे दी कि अगर आर्मी पीछे नहीं खींचते हो इजिप्ट से तो हम पेरिस और लंदन के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स दाग देंगे। तो बात वर्ल्ड वॉर थ्री के लेवल तक पहुंच गई थी उन चार दिनों के अंदर अंदर। फिर नेहरू के रोल के बारे में या भारत के रोल के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि सुएज कॉन्फ्रेंस में भी भारत शामिल था और जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। नेहरू ने यहाँ पर कोशिश करी कि इजिप्ट का जो रोल इजिप्ट है उसका सपोर्ट किया जाए, लेकिन इतना यूएसए और यूके को पूरी तरह से एंटेगनाइज भी नहीं करना है। तो हालांकि यूके को यहाँ क्रिटिसाइज किया था भारत ने और कोशिश ये करी थी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन करे। भारत हमेशा ये कह रहा था कि इंग्लैंड का तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कोई क्लेम बनता ही नहीं है इस कैनाल के ऊपर, तो इजिप्ट ने अगर नेशनलाइज किया तो वो डिसीजन ठीक है, लेकिन अब जो कंट्रोल है मिलिट्री कंट्रोल वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का होना चाहिए। और पहली बार ऐसा हो रहा था कोल्ड वॉर के समय कि भारत और यूएसए एक तरफ थे, मतलब किसी भी डिसीजन के एक साइड थे, क्योंकि भारत भी यही कह रहा था कि इंग्लैंड विड्रॉ कर ले वहाँ से, अपनी आर्मी हटा ले, और यूएसए भी वही कह रहा था। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट नेहरू दोनों का इस क्राइसिस में काफ़ी रोल रहा था। फिर आते हैं ब्रिटेन के डोमेस्टिक ऑपोजिशन पे। ब्रिटेन में लोग चाहते ही नहीं थे कि लड़ाई हो, क्योंकि एक तो देखो जुलाई में हुआ था नेशनलाइजेशन, तो जुलाई में अगर कुछ करना था तो कर लेते। 26 जुलाई को नेशनलाइज हुई थी सुएज कैनाल, उस समय तो ब्रिटेन की सरकार ने कुछ किया नहीं, तो लोग कह रहे थे अब अचानक से नवंबर में हमला क्यों हो रहा है, अक्टूबर लास्ट वीक नवंबर फर्स्ट वीक में हमले क्यों कर रहे हो, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी की हालत ख़राब है, हमारे पास खाने को चीज़ें नहीं है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हमें लड़ाई नहीं चाहिए। तो जैसा 2003 के इराक इन्वेजन के बाद बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, बड़ी बड़ी रैलीज निकली थी लंदन और वाशिंगटन में, वैसी ही रैलीज लंदन में उस समय निकली। वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे बड़ी रैली उस समय लंदन में निकली थी, जिसमें लोगों ने युद्ध का विरोध किया कि हमें शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। तो डोमेस्टिक ऑपोजिशन था और एंथनी ईडन को खुद उनके मिनिस्टर्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कई सारे मिनिस्टर्स हैं। और माउंटबेटन अगर आपको याद हो तो माउंटबेटन बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन पे थे इंग्लैंड में, मतलब उनका एक बहुत सीनियर रोल था, तो माउंटबेटन खुद मना कर रहे थे एंथनी ईडन को कि लड़ाई मत लड़ो, यहाँ पे हमारा नुकसान होगा, अल्टीमेटली हमें ही मुंह की खानी पड़ेगी, यूएस और यूनाइटेड नेशंस कोई भी हमें इस लड़ाई में सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली इस डोमेस्टिक ऑपोजिशन साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रेशर के कारण इंग्लैंड को सीज फायर बोलना पड़ा। 6 नवंबर को सीज फायर घोषित कर दिया, यानी 5 दिन के अंदर अंदर इंग्लैंड ने सीज फायर घोषित कर दिया। और सोवियत थ्रेट भी था यहाँ पे, ठीक है, सोवियत यूनियन ने भी कहा था कि हम आर्मी भेज देंगे इजिप्ट में अगर ये जो एलाइज हैं यानी फ्रांस और इंग्लैंड है ये अपनी आर्मी पीछे नहीं खींचते हैं। तो आइजनहावर को यानी यूएस को सबसे बड़ा डर ही यही था कि कहीं वर्ल्ड वॉर थ्री शुरू ना हो जाए, उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वर्ल्ड वॉर थ्री शुरू ना हो और न्यूक्लियर ना हो जाए, क्योंकि अगर यूएसएसआर लड़ाई लड़ता है यूके और फ्रांस से तो नेटो को भी जाना पड़ेगा टेक्निकली लड़ाई में, क्योंकि यूके और फ्रांस नेटो संधि के सिग्नेटरीज थे, अगर उन पर कोई हमला करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट नेटो को भी उसके साथ लड़ाई लड़नी होगी, और नेटो के अंदर यूएसए ही था सबसे बड़ा पावर, तो यूएसएसआर और नेटो यानी यूएसए की डायरेक्ट लड़ाई हो जाएगी बिना बात के, तो यूएसए इसे अवॉइड करना चाहता था। और आइजनहावर खास करके ब्रिटेन से बहुत नाराज़ थे, फ्रांस से ज़्यादा ब्रिटेन से नाराज़ थे, क्योंकि ब्रिटेन को वो अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे अमेरिकन्स, और हर डिसीजन बड़ा ग्लोबल स्केल का डिसीजन जो है वो दोनों साथ मिलकर लेते थे, लेकिन इस बार ब्रिटेन ने अमेरिका की पीठ पीछे जाकर फ्रांस के साथ गुपचुप समझौता किया था सेवरेस का। तो अमेरिका ने तीनों देशों को धमकाया कि तीनों पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लागू कर देंगे, इसराइल, फ्रांस और ब्रिटेन पे। तो ब्रिटेन मान गया, ब्रिटेन ने तुरंत अगले ही दिन सीज फायर घोषित कर दिया, और फ्रांस इससे काफ़ी हैरान हुआ कि अरे भाई पहले तो सेवरेस में हमने मिलकर समझौता किया तो अब सीज फायर भी कर रहे हो तो कम से कम मिलकर करो ना, फ्रांस को पता ही नहीं था और अचानक से सीज फायर घोषित कर दिया। फ्रांस इससे और नाराज़ हो गया इंग्लैंड से, और अगले दिन ज़बरदस्ती फ्रांस को भी सीज फायर घोषित करना पड़ा, जबकि वो लोग मिलिट्रीली तो जीत चुके थे। उन्होंने कहा जब हम जीते हैं, जब हमारा अपर हैंड है, तो हम सीज फायर क्यों घोषित कर रहे हैं। तो फ्रांस की जो आर्मी है वो भी नाराज़ हो गई, फ्रांस के जो जनरल्स हैं वो भी सब अपनी लीडरशिप से, फ्रांस के नेताओं से काफ़ी नाराज़ थे। और एक बात बता दूं, 58 में फ्रांस में भी क्रांति हो गई, उसका भी यही रीज़न था, जो फ्रांस की आर्मीज़ हैं, आर्मी के लीडर्स हैं, वो काफ़ी नाराज़ थे जो गवर्नमेंट थी उससे, तो 58 में वहाँ भी एक रेवोल्यूशन हो जाता है, छोटा रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जितना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं है, बेसिकली सरकार बदल गई थी। और इसराइल भी कुछ महीनों तो नहीं माना, हालांकि दिसंबर में इसराइल ने अपनी आर्मी पीछे खींच ली, कहाँ से, सुएज कैनाल वाले एरिया से, और पूरा सिनाई पेनिनसुला मार्च 1957 तक खाली कर दिया। इसी समय जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर कंटिन्यूसली रेजोल्यूशंस लाए जा रहे थे कि कैसे इस सुएज कैनाल क्राइसिस को मैनेज किया जाए, तो पहली बार यूएन ने अपनी इमरजेंसी फोर्स का गठन किया। यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स पीस कीपिंग से थोड़ी सी एक अलग फोर्स है, फर्स्ट टाइम इस सुएज क्राइसिस के समय इसका गठन किया गया था, इसे कहते हैं UNEF-1, यानी ये सबसे पहली इमरजेंसी फोर्स थी, और जनरल असेंबली ने इसे बनाया ताकि सुएज क्राइसिस को रोका जा सके। और यहाँ पे कनाडा का काफ़ी बड़ा रोल था, कनाडा के जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे
लेस्टर पियर्सन, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 1957 का, क्यों? इसी सुएज क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स का आइडिया है ये मेनली कनाडा का था, लेस्टर पियर्सन का था, और इसीलिए पियर्सन को 57 में नोबेल पीस पुरस्कार भी दिया गया। तो ये वो इमरजेंसी फोर्स के सैनिक हैं जो सुएज कैनाल को मैनेज करने के लिए वहां पहुंचे थे, और धीरे धीरे इंग्लैंड और फ्रांस की आर्मी जब विड्रॉ कर गई तब इन्होंने कैनाल वाले एरिया में शांति बनाए रखने का काम अपने हाथ में ले लिया। अब हम आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के निष्कर्ष पे, किसे क्या मिला, इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कुछ सीक्रेट ट्रीटीज़ हैं, सीक्रेट डिसीजंस हैं, तो फाइनली किस देश का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है? इजिप्ट। इजिप्ट इसमें सबसे पावरफुल देश की तरह निकलता है, सबसे ज़्यादा फायदा इजिप्ट का हुआ। हालांकि इजिप्ट की आर्मी पूरी तरह से हार गई थी, लेकिन अल्टीमेटली तो सुएज कैनाल किसके पास रही? इजिप्ट के पास। नेशनलाइजेशन जारी रहा, कुछ समय बाद यूनाइटेड नेशंस चला गया, आज सुएज कैनाल इजिप्ट की संपत्ति है। तो नासिर सुएज क्राइसिस के हीरो की तरह बाहर निकले और पूरे अरब दुनिया में और इजिप्ट के अंदर वो छा गए। इजिप्शियन नेशनलिज्म और अरब पैन अरब नेशनलिज्म काफ़ी बढ़ चढ़कर 60s में देखने को मिला, और 1970 तक, जब तक नासिर की डेथ नहीं हो जाती तब तक नासिर सत्ता में बने रहे। इसराइल को हालांकि सुएज कैनाल इस्तेमाल करने की परमिशन तो नहीं मिली, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्रोल तो इजिप्ट के पास रहा, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट्स ऑफ तिरन खुलवा लिया। स्ट्रेट्स ऑफ तिरन खुलने से कम रेड सी का एक्सेस इसराइल को मिल गया। फिर आते हैं फ्रांस पे। फ्रांस को काफ़ी नुकसान हुआ। फ्रांस की जो एक छवि थी कॉलोनियल पावर की, सुपर पावर की, ग्लोबल प्रेस्टीज थी, वो काफ़ी कम हो गई। दूसरा, फ्रांस को ये समझ में आया कि हम यूके पे आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं कर सकते, ये किसी के सगे नहीं है, इन्होंने हमसे बिना पूछे सीज फायर करवा दिया और हम बीच में फंसे रह गए वहाँ पर। तो इसीलिए यूके पर भरोसा मत रखो, यूरोपियन कम्युनिटी के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाओ। उसी के बाद यूरोपियन यूनियन का डेवलपमेंट होना ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुआ। पहले यूरोपियन यूनियन में फ्रांस इतना इंटरेस्टेड नहीं था। इस सुएज क्राइसिस के बाद ही फ्रांस ने एक्टिवली अपने पड़ोसियों के, अचानक पलट के अपने पड़ोसियों को देखा, स्पेन जर्मनी, बोला अच्छा भाई लोग अब हम आपसे दोस्ती बढ़ाते हैं और यूके पे हम भरोसा नहीं कर सकते, और यूके धीरे धीरे यूरोपियन कम्युनिटी से दूर होता गया। तो ये फ्रांस का एम्पायर था, आप देखिए फ्रांस का कितना बड़ा एम्पायर था। और इस घटना के बाद फ्रांस और यूके दोनों के एम्पायर डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस तेज़ हो गया और दोनों के एम्पायर खत्म हो गए। तो कहाँ, एक पूरा अफ्रीका इनके कंट्रोल में था, उत्तरी अफ्रीका, वियतनाम है, लेकिन ये सब 1950s आते आते जा चुका था। खैर वियतनाम, तो ये 39 का मैप है, ठीक है, तो वियतनाम तो इनके हाथ से जा ही चुका था 50s के अंदर, और धीरे धीरे बाकी सारी कॉलोनीज भी चली गई। फिर आते हैं ब्रिटेन पे। अगर इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा लूज़र अगर कोई निकल कर आता है तो वो है ब्रिटेन। पहली चीज़, ब्रिटेन का मिडिल ईस्ट में पूरा इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। आज जो अमेरिका का पावर और इन्फ्लुएंस है ना मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया और अन्य देशों के बीच में, वो 1940 और 30 के दशक में ब्रिटेन का हुआ करता था। जब तेल की खोज हुई थी तो सबसे पहले ब्रिटेन की कंपनीज थी जिन्होंने इराक, सऊदी अरेबिया, इन सभी जगहों पर जाकर अपनी ऑयल के एक्सप्लोरेशन शुरू किए थे, ऑयल ड्रिलिंग शुरू करी थी। तो सारा ऑयल वहाँ से आता था, अरेबियन कंट्रीज से, वेस्टर्न यूरोप, खास करके ब्रिटेन को। तो वहाँ पे जो उनकी पावर है वो काफ़ी कम हो गई ब्रिटेन की। फिर ग्लोबल प्रेस्टीज कम हुई, खास करके मिडिल ईस्ट में। उसके बाद किसी ने ब्रिटेन को सीरियसली लेना शुरू नहीं किया। सऊदी अरेबिया जैसा देश है वो भी यूएस से ज़्यादा क्लोज हो गया बजाय इंग्लैंड के। फिर जो इनकी कॉलोनियल हेजिमोनी थी, यानी एक तरह से एक छत्र राज था, ब्रिटेन जो चाहता था वो दुनिया में होता था, खास करके वर्ल्ड वॉर वन के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद सबसे मजबूत कौन निकला था? ब्रिटेन। तो वो पावर वर्ल्ड वॉर टू के बाद कम हुई थी, लेकिन सुएज क्राइसिस ने तो उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। वर्ल्ड वॉर टू ने भी काफ़ी कम किया था, लेकिन सुएज क्राइसिस एक फाइनल नेल इन द कॉफिन था। फिर अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, वो ये कि कभी भी यूएसए को ग्रांटेड मत लो, उससे हमेशा बातचीत करके आगे कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लो, वरना यूएसए हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। ये चीज़ इन्होंने हमेशा के लिए सीख ली और आगे हमेशा इसे फॉलो किया। तो जब भी अगर अमेरिका और यूके को मिलकर कुछ करना होता है, जब भी अमेरिका को कुछ करना होता है तो यूके हमेशा आज यूएस का साथ देता है, चाहे वो इराक वॉर हो, अफगानिस्तान वॉर हो, कहीं पर भी आप देख लीजिए। हाँ, बस एक जगह इन्होंने मदद नहीं करी थी, 60s में जब वियतनाम वॉर चल रहा था तो अमेरिका को बहुत ज़रूरत थी, और यहाँ पे यूके ने कोई मदद नहीं करी क्योंकि यूके नाराज़ था सुएज क्राइसिस के कारण। तो 60 के दशक में इन्होंने मदद नहीं करी, लेकिन 70-80 के दशक से वापस इनका रिश्ता सामान्य हो गया। फिर जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है वो तेज़ी से बढ़ा, धीरे धीरे मलेशिया, एडन, बहरेन, मालदीव्स, नाइजीरिया, सभी जगह से ब्रिटिश कॉलोनीज़ आज़ाद होती गई, और इस घटनाक्रम का उसमें बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि सभी जगह नेशनलिस्ट देख रहे थे ना कि ब्रिटेन की पावर तो है ही नहीं, अमेरिका ज़्यादा पावरफुल है। ये कुछ वैसी ही बात है जैसे एक समय में ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम को हराना इम्पॉसिबल समझा जाता था ऑस्ट्रेलिया में। साउथ अफ्रीका ने वो किया 2008-09 के दौरे में, और उसके बाद कई देश कर चुके हैं,
उससे पहले ऑस्ट्रेलिया हारता ही नहीं था अपनी ज़मीन पर, लगभग 10 सालों से ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल डोमिनेटिंग पावर था अपने खुद के ग्राउंड्स पे। लेकिन जब एक बार कोई हरा देता है, एक बार अगर कोई सुपर पावर हार जाता है, तो फिर सारे देश कोशिश करेंगे कि उसे हरा दें। तो ये है ब्रिटिश एम्पायर 1959 में। धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो गया कुछ सालों के अंदर ही, 20 साल के अगले 20 सालों के अंदर अंदर ये सारे देश भी आज़ाद हो जाते हैं। सबसे आखिर में जो बड़ा देश आज़ाद हुआ था वो जिम्बाब्वे था, रोडेशिया, ये भी आज़ाद हो गया और ये सारी कॉलोनीज भी चली गई। फाइनली क्या रिजल्ट रहा यूएसए पर? तो यूएसए इस पूरे घटनाक्रम में एक सच्चे सुपर पावर की तरह बाहर निकल कर आया, ट्रू सुपर पावर। हालांकि सुपर पावर वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही बनना शुरू हो गया था, लेकिन यहां पर उसने पहली बार अपना दमखम दुनिया को दिखाया। पहली बार उसने ये दिखाया कि 250-300 सालों से जो फ्रांस और इंग्लैंड दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं, उन्हें हम पीछे धकेल सकते हैं, उन्हें हम अपने वश में ला सकते हैं, अपने कंट्रोल में उनसे कोई भी डिसीजन पे काम करवा सकते हैं। तो यूएसए हैड ट्रूली अराइव्ड। दूसरा डेवलपमेंट था कि यूएसए का अरब वर्ल्ड में पश्चिमी एशिया के देशों में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया। सऊदी अरेबिया के साथ जो इनकी रिलेशनशिप थी इन्होंने और प्रगाढ़ कर ली। वेस्टर्न ऑयल सप्लाईज को सिक्योर करने वाला देश अब इंग्लैंड नहीं था, अब अमेरिका था। यानी पश्चिमी देशों की चौकीदारी करने का जो जिम्मा है वो इंग्लैंड के माथे से जा चुका था, इंग्लैंड के सर से जा चुका था, अब यूएस ने वो जिम्मा संभाल लिया। और ये फोटो मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार है, ये पूरी तरीके से इसको दर्शाता है कि कैसे यूएस का डोमिनेंस है। ये सुएज कैनाल है, इसमें यूएस नेवी का एक एयरक्राफ्ट कैरियर उससे गुजर रहा है। तो आज यूएस नेवी को रोकने वाला दुनिया में कोई पावर नहीं है। मे बी कुछ सालों में चाइना हो जाएगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स के मामले में यूएस का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो यूएस नेवी, यूएस एज अ सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर, आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े देशों में से एक है और इसे चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल है। एक सवाल है आपके लिए, भारत में कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं भारत की नेवी के पास, और कितने बन रहे हैं, कितने अंडर डेवलपमेंट हैं? दोनों के बारे में मुझे कमेंट्स में बताइए। आपके फीडबैक और मेरे क्वेश्चन के आंसर का जवाब मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी देंगे। तो कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।